जय हिंद जय भारत। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपके ऊपर मल्टीपल जगह से लोन हो चुके हैं और बार बार आपको बताया जा रहा है कि आपने एक क्राइम किया है और आपके ऊपर क्रिमिनल एक्शन होगा, आप लगातार ही कॉल्स को, नोटिस को और साथ में उनके द्वारा भेजे गए हर एक मैसेज को इग्नोर कर रहे हैं और सभी मैसेज को इग्नोर करने के जुर्म में आपको दोषी करार किया जाएगा और साथ साथ में आपने ये बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है सभी नोटिस को और इन सभी को इग्नोर करके। ऐसे मैसेजेस देखने के लिए मिले हैं। हाल फिलहाल में लोन कंपनियां क्या कर रही है कि इस तरीके के मैसेज सभी उन व्यक्ति को जिनका मल्टीपल जगह से या सिंगल कहीं से भी लोन है, NBFC से आपका लोन है, बैंक से लोन है, तो ऐसे मैसेज हो सकते हैं कि आपको भी देखने के लिए मिले। तो क्या सच्चाई है, क्या सच में ऐसा है कि आपको क्रिमिनल घोषित कर दिया जाएगा बैंकों के द्वारा, NBFCO को द्वारा, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा? तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहली बात कि अगर आप उनका कॉल नहीं उठाते हैं, आप उनके मैसेजेस को इग्नोर करते हैं, आप मेल्स जो आते हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं, आप नोटिस जो उनके द्वारा भेजे गए हैं उन सभी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, तो आखिर आपने इन सभी चीज़ों को इग्नोर क्यों किया और इसके पीछे का क्या कारण है? क्या वो आपने सामने कंपनी को बताया कि नहीं बताया? सबसे पहला आपका कदम यही होना चाहिए कि जब भी लोन डिफ़ॉल्ट हो तो कंपनी को डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, इससे पहले कि कंपनी मैसेज करे, लोन बैंक मैसेज करे कि आपका लोन ड्यू होने वाला है, इससे पहले ही आप बैंक को बता दीजिए कि मेरा लोन ड्यू होने वाला है और मैं जल्द से जल्द पेमेंट करने की कोशिश करूंगा। अब जितना जल्द हो सकता है क्लोज करने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे ही होगा मैं कर दूंगा, लेकिन इस बीच में आपको किसी तरीके की गलत एक्टिविटी से बचना है। यानी कि बैंक को अगर आपके कॉन्टेक्ट्स पे कॉल करती है या फिर आपके घर पे आने की धमकी देती है, रिकवरी एजेंसीज को आपके पीछे लगा देती है, तो ऐसी घटनाओं से बैंक को पहले ही सचेत कर दीजिए कि ऐसा कुछ भी आप नहीं करेंगे हमारे साथ। इसके बाद भी इन सभी मैसेजेस को डालने के बावजूद भी जब बैंक लगातार कॉल करती है, NBFC लगातार कॉल करती है, तो कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, यानी कि वो अपने आप को इरिटेट महसूस करता है। अब ऐसे में क्या करे आदमी? एक दिन में 400 कॉल, 500 कॉल, 600 कॉल, 800 मैसेज, 1000 मैसेज, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे कॉल्स, अगर उनके सभी मैसेजेस, सभी कॉल्स को इंसान सीरियसली लेने लग गया तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी, लेकिन इनके मैसेजेस और कॉल आना बंद नहीं होंगे। तो ऐसे में क्या जो आपका कदम है, जो आपने उठाया है कि आप इनके मैसेजेस को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं, कॉल्स को इग्नोर कर रहे हैं, क्या वो सही है? तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो आप कर रहे हैं वो आपने जानकारी ऑलरेडी ही कंपनी को दे रखी है। जब ऑलरेडी ही कंपनी को, बैंक को आपने जानकारी दे रखी है कि आपके पास अभी पैसा नहीं है पर्याप्त मात्रा में, आप अभी फाइनेंशियली क्राइसिस में है, जूझ रहे हैं, और साथ में जैसे ही आपके पास अमाउंट होगा आपको देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी बैंक वाले आपको परेशान कर रहे हैं, तो ये सरासर यहाँ पे आपने कोई भी क्राइम नहीं किया। लोन को ना दे पाना कभी भी क्राइम की कैटेगरी में या श्रेणी में नहीं आता। अगर आप लोन को डिफ़ॉल्ट करते हैं तो वो एक सिविल मामला है, यहाँ पर आपके ऊपर कभी भी आपको क्रिमिनल घोषित नहीं किया जाएगा। और इस बेसिस पे कि आप उनके कॉल्स को, मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हैं या फिर उनके नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप क्रिमिनल हो गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीके का इन्होंने आपको डराने के लिए, आपको ही गलत साबित करने के लिए बना रखा है कि आप ही क्रिमिनल हैं अगर आप लोन पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए बार बार मैसेज देखने के लिए मिलते हैं। तो क्या सच में क्रिमिनल घोषित किया जा सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप क्राइम नहीं करते, डकैती, चोरी, मारपीट ये सब नहीं करते, तब तक आपको कोई भी बैंक या कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी व्यक्ति आपको क्रिमिनल घोषित नहीं कर सकता। तो इन सभी बातों को आप बिल्कुल ही इग्नोर करें। और अगर आप अभी तक कॉल्स वगैरह इग्नोर कर रहे थे, मैसेजेस वगैरह इग्नोर कर रहे थे, तो क्या आपको आगे भी कॉल और मैसेजेस को इग्नोर करना चाहिए? तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि क्या आप
आगे भी इनके कॉल और मैसेजेस को इग्नोर करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं, और इनके पीछे का कारण तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि एक नहीं दो नहीं 400 कॉल 500 कॉल अगर डेली के आती है तो कोई भी व्यक्ति इतनी सारी कॉल्स के जवाब नहीं दे सकता। तो ये एक तरह का भ्रम इन्होंने पाल रखा है कि उनके मैसेजेस से आपके मन में डर बैठेगा। कोई डर आपके मन में नहीं बैठने वाला है जब तक कि आप हमें फॉलो कर रहे हैं, हमें फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आप लोन का पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके सिविल स्कोर को ख़राब कर दिया जाएगा, जिसके बेसिस पे आपको लोन मिलता है। अगर आपने कहीं से भी पर्सनल लोन लिया है तो आपके सिविल स्कोर को डाउन किया जाएगा। इसके अलावा और दूसरी कोई भी आपके साथ गलत कंडीशन नहीं बन सकती है, तो इन सभी चीज़ों को आप इग्नोर करें। जैसे आप इग्नोर कर रहे थे, मैसेज टाइम टाइम पे डालते रहे कि क्या सिचुएशन है, क्या अपडेट है, क्या आप पैसा पेमेंट कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाएंगे, ये अपडेट आप बैंक को खुद से ही देते रहें, ताकि बैंक भी बाद में क्लेम ना कर सके कि आपने हमें कोई अपडेट नहीं दी थी, कोई जानकारी नहीं दी थी। इसी के साथ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझसे कॉन्टैक्ट पर्सनली करने के लिए ऊपर में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सअप नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में, मिलूँगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द।